हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे गो डाउन वायरिंग या गोदाम वायरिंग, जिस गोदाम कनेक्शन करते हैं कैसे करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, टू वे स्विच भी होता है, वन वे स्विच होता है। तो हम इस वीडियो में टू वे स्विच सीखेंगे, अगली वीडियो में वन वे स्विच सीखेंगे कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। इससे कुछ रूल्स मैं बता दूंगा बनाते टाइम। तो पहले चलिए हम बनाते हैं, ये हमारा टू वे स्विच हो गया दो, ये बल्ब होल्डर हो गया या बल्ब बोल सकते हैं। मैं दो ही बल्ब के बाद बताऊंगा, दो बल्ब होल्डर कैसे। तो आप चाहे चार पाँच छः सात आठ कैसे कनेक्शन करते हैं कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम मैं न्यूट्रल की वायरिंग करता हूँ। न्यूट्रल जैसे डायरेक्ट हम सभी ऊपर के सभी पॉइंट दे देंगे न्यूट्रल। ये हमारा न्यूट्रल चला गया और हम फेस का कनेक्शन कर देते हैं। हमारा फेस स्विच के हमेशा निचले पॉइंट में जाता है, इसलिए हम दे देते हैं। इस वाले बल्ब होल्डर को यहाँ कनेक्शन ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे बीच वाले पॉइंट से। इसका मतलब ये है कि वायर इस न्यूट्रल वायर से ऊपर ऊपर से आया, न्यूट्रल के वायर से हमारा कनेक्शन हो गया। तो हम इसके बारे में बता देते हैं कैसे करना है। ऐसे हमारे पास दो बल्ब हैं, तीन स्विच लगे हैं, तीन टू वे स्विच लगे हैं थ्री। अगर चार बल्ब लगे होते तो पाँच टू वे स्विच लगते, अगर थ्री बल्ब लगे हैं चार टू वे स्विच लगते हैं। मतलब जितना बल्ब होल्डर है या बल्ब है उससे एक अधिक टू वे स्विच लगेगा। अब इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आप हम इतने का कनेक्शन करके बताएंगे अभी प्रैक्टिकल में, आप इसके आगे भी कर सकते हैं। इसी ये हो गया तीन और ये चार हो गए, तो यहाँ भी टू वे स्विच बना सकते हैं, एक देख लीजिए। तो कनेक्शन कुछ करना नहीं है आपको, सीधे यहाँ से बढ़ाते जाना है इस तरीके से। आपको कनेक्शन सेम वैसे ही करना है कि ये वाला यहाँ रहा जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ टच कर देंगे, दूसरा यहाँ टच करवाएंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ, दो बल्ब रख लेते हैं एक यहाँ। जितने बल्ब होल्डर लगे होंगे बल्ब उतने एक टू वे स्विच अलग लगेगा। ये टू वे स्विच का हो गया वायरिंग, और इसके बाद हम दिखाएंगे वन वे स्विच का कैसे करेंगे। तो हम मेन इतना पेटल करेंगे, दो बल्ब होल्डर और तीन टू वे स्विच का। चलिए हम करते हैं। ये हमारे पास तीन टू वे स्विच है, इससे मैंने पता था इतना कि हम प्रैक्टिकल बताएंगे। इसका आप करना जितना बढ़ाना चाहे, छः सात आठ नौ दस ग्यारह उसका बढ़ा सकते, इतना है। जितना बल्ब होल्डर लगे होंगे उससे एक ज़्यादा टू वे स्विच लगेगी। तो हम दो बल्ब होल्डर लगाए हैं, तो हमारे पास तीन टू वे स्विच है, देख लीजिए। हाँ, एक ही बार से हम करें कनेक्ट कर देंगे कट करके अलग अलग जगह। तो चलिए हम कट करके दिखाते हैं। देखिए मैंने कट कर लिया, एक वहाँ एक ही बार कट कर लिया, यहाँ कट कर लिया, यहाँ भी कट कर लिया, वहाँ पहले से कट है, उसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ये हमने कनेक्ट कर दिया है, देखिए न्यूट्रल को ऊपर वाले पॉइंट में। तो ये हम अगर इसे ऐसे सीधा कर देंगे, अभी उल्टा है, सीधा कर देंगे तो ये ऊपर वाले पॉइंट में चला जाएगा, देख लीजिए आप। तो ये हमारे न्यूट्रल कनेक्शन हो गया है। ये मेन सप्लाई के लिए हमने रख लिया एक ही बार यूज़ करके। न्यूट्रल हमने ब्लैक से कोडिंग किया है, तो हम ब्लैक वायर ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं फेस का कनेक्शन करेंगे, इसके बाद चले करके दिखाते हैं आपको। जिस प्रकार हमने ब्लैक वायर को कट किया, उस प्रकार हमने रेड वायर को कट कर दिया, देखिए यहाँ कट कर दिया यहाँ, और तीन पॉइंट कट किया जहाँ हमें टच कराना है। तो इसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। हमने देखिए हमें कनेक्ट कर दिया रेड और ब्लैक वायर को। इसको सीधा कर देंगे तो जैसे डायग्राम बनाया वैसा हो जाएगा, फेज वाला नीचे और न्यूट्रल वाला ऊपर का पॉइंट हो जाएगा। तो इसके बल्ब होल्डर का, दो बल्ब होल्डर मैंने ले लिए हैं, इसको कनेक्ट करके दोनों बल्ब होल्डर कनेक्ट करके फिर बल्ब लगा के देखो दिखाते हैं। पहले कनेक्ट करते हैं, देख लीजिए मैंने बल्ब होल्डर जैसे यहाँ एक एक पॉइंट बीच बीच में टच कराया गया, मैंने करता गया हूँ। एक बल्ब का एक होल्डर का एक बार यहाँ बीच पॉइंट टच कराया गया है, ये वाला, और दूसरा पॉइंट यहाँ। अब दूसरे बल्ब का जैसे मैंने यहाँ बीच में बताया, यहाँ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया दूसरे बल्ब का एक पॉइंट, और एक पॉइंट इधर टच कर दिया। अब इसकी हम बल्ब होल्डर की चेकिंग करेंगे, इसके मतलब पूरे कनेक्शन की चेकिंग करेंगे सही या गलत, फिर एक बार डायग्राम में बताएंगे, फिर चेक करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपने बल्ब को कनेक्ट कर दिया है बल्ब होल्डर में, अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब एक बार देख रहे हैं, फिर से हम बता देंगे एक बार डायग्राम में। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, चलिए ये स्विच को। ये सेम स्टेयर के वायरिंग ऐसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है उपयोग। तो हम इसको मेन सेक्शन कर लिया है, अब चलिए इसे चेक करते हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड है हमारा, ये ऑन है, हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए हमारे तीनों स्विच अभी टाइम पर ऑन है, तो हम इसको जैसे जैसे ऑन रहेंगे तीनों तो नहीं बढ़ेंगे, जैसे एक ऑफ कर देते हैं, ये वाला बल्ब जलेगा, ये वाला कर देंगे तो ये वाला जलेगा। ऐसे सीढ़ी जैसे चलते जाएंगे, गोडाउन वायरिंग का होता है कैसे कि एकदम चलते जाएंगे और सही लाइटें ऑन करते जाएंगे और लास्ट में जाएंगे तो ये बंद कर दिए। यहाँ से जाएंगे तो ये स्टार्ट कर देंगे, ये स्टार्ट कर देंगे, ये स्टार्ट कर देंगे, देख लीजिए।
ये तो काम ही करता है उसके जैसा, स्टेयर केस वायरिंग के जैसा, जहाँ जाते रहेंगे स्टार्ट करते जाएंगे। ये हो गया, ये देखिए अब यहाँ जाएगा जाएंगे दोनों बंद हो जाएगा। दोनों बल्ब ऑन करना, तो बीच वाला देखिए मिड वाला, इससे दोनों बल्ब ऑन हो जाएंगे। अगर एक बल्ब ऑन करना खाली है वाला, तो ये अब चालू रहेगा तो ये बंद, यहाँ से बंद कर देंगे। और उसको चालू करना है तो यहाँ इसको बंद कर दे सकते हैं। अब देखिए एक एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्टार्ट हो गया, दूसरे स्विच से दूसरा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जाएंगे तो बंद हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट करते जाएंगे तो ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये अब दोनों स्टार्ट करना हो तो ये देख लीजिए सही है, पूरा कनेक्शन सही है। अगर अब और बल्ब लगाना चाहते हैं या बल्ब होल्डर, तो अब बढ़ाते जाएंगे, लेकिन टू वे स्विच को बढ़ाते जाएंगे कि हमारा टू वे स्विच के गोडाउन वायरिंग हो गया। अब वन वे स्विच में हम करके दिखाएंगे अगले वीडियो में कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को धन्यवाद। अगर लास्ट में थोड़ा डायग्राम देखना तो एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं, इसको हटा के जो वीडियो में बना उसके बारे में बता दूँगा। ये बल्ब होल्डर हो गया, ये टू वे स्विच, ये बल्ब रखे दो बार। तो जैसे हम करंट न्यूट्रल कनेक्शन ब्रेक करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तीनों पॉइंट हम टच करा देंगे। ये हमारा फेज हो गया, तो फेज के तीनों पॉइंट टच कराते जाएंगे। अब बचे हैं बल्ब के पॉइंट को, हम मीड मीड में टच कराते हैं। जब इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट एक ही बार को यहाँ हमने टच करा दिया है, यहाँ का हमने टच करा दिया। इस वाले बार का एक पॉइंट को इसी वाले पॉइंट में टच कराना है, और दूसरे वाले पॉइंट को यहाँ टच करा देना है। ऐसे करते जाएंगे जो हमने बताया ये है। अगर आप बढ़ाते जाएंगे बल्ब को, तो एक स्विच बढ़ाते जाएंगे सेम कनेक्शन ऐसे करते जाएंगे वायर को बढ़ा के। अगर अगला हुआ तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करते जाएंगे, मतलब ऐसे बढ़ाते जाएंगे गोडाउन वायरिंग इश्यू करते हैं, स्टार्ट करते जाएंगे। लास्ट में अगर कोई भी कितना भी बढ़ा लो, लेकिन एक बटन से सारे बल्ब ऑफ ऑन या ऑफ हो सकते, जैसे मैंने बताया था। यहाँ से ऑन करते जाएंगे, यहाँ ऑफ भी हो जाएगा, यहाँ से ऑन करते जाएंगे तो यहाँ भी ऑफ हो जाएगा, किधर भी साइड से करें। ये होता है गोडाउन वायरिंग स्टेयर के। हम बताएंगे वन वे स्विच में कैसे करते हैं, तो इसका अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो हमारे देखते रहिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं।